आ गया। एक बंदा खो दिया। बंदा सामने। ओह तू दिखा कैसे? अभी पत्थर पे जा रहा है, एक बार पत्थर पे जा, क्या कर रहा है? कहीं तो निकलेगा। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिकॉइल कंट्रोल के ऊपर, और जिसमें मैं मेनली दो फैक्टर्स आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो है सेंसिटिविटी और दूसरी चीज़ है ग्रिप। तो ग्रिप दरअसल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बोलोगे मैं तो जानता हूँ मैं हाफ ग्रिप यूज़ करता हूँ या मैं एंगल ग्रिप यूज़ करता हूँ लॉन्ग रेंज के लिए। तो गाइस ये वीडियो अगर आप जानते भी हो तो ये वीडियो बिल्कुल डिटेल में देखिए, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा किस ग्रिप से एग्जैक्टली क्या होता है। तो काफ़ी लोग ये करते हैं कि वो स्काउट को देखते हैं, वो हाफ ग्रिप यूज़ करता है तो वो हाफ ग्रिप यूज़ करने लग जाता है, लेकिन इसमें आप डिटेल में समझोगे कि वो हाफ ग्रिप क्यों यूज़ करता है। और मैं इसमें सेंसिटिविटी को बिल्कुल हैंड कैम से आपको बताने वाला हूँ। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए अगर आप गायरोस्कोप यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि मैं इसमें गायरोस्कोप वाले के लिए भी बताऊँगा और बिना गायरोस्कोप वाले के लिए भी बताऊँगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आने वाली है। गाइस अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर हूँ और मैं फाइव फिंगर जायरो खेलता हूँ, और मैं यही पबजी की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता हूँ और लाता ही रहूँगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सेंसिटिविटी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपकी सेंसिटिविटी पहले से बनी हुई है तो प्लीज़ किसी और की कॉपी मत करना और प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि असली जो रिकॉइल कंट्रोल होता है वो सेंसिटिविटी पर डिपेंड नहीं करता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। हाँ सेंसिटिविटी का उसमें रोल होता है, क्योंकि अगर आप गलत सेंसिटिविटी से प्रैक्टिस करोगे तो इतना अच्छा इंप्रूव नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको अपनी ओन सेंसिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मेरी 230 है 3x की, गायरोस्कोप की और स्काउट की 300 है, तो उसके लिए वो कंफर्टेबल है, मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, इसलिए आपको अपनी सेंसिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी सेंसिटिविटी कैसे ढूंढ सकते हैं। अब सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बात करने वाला हूं जिन लोगों का गायरोस्कोप नहीं है, जिनके लो एंड डिवाइस है, जिनके में गायरोस्कोप अच्छे से वर्क नहीं करता। तो उनके लिए मैं बताता हूं कैसे आप ढूंढ सकते हैं अपनी ओन सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले आप जाइए अपने सेटिंग्स में और जाइए सेंसिटिविटी में और देखिए आपका जो ADS है और आपका जो कैमरा है, ये आपको पता ही होगा कैमरा वो होता है जब आप शूट नहीं कर रहे होते तो वो सेंसिटिविटी वर्क करती है कैमरा, और जब आप शूट कर रहे होते हो तो वो सेंसिटिविटी है ADS। अब मैंने तो सारे ADS 1 1 1 1 1 कर रखे हैं, क्योंकि मैं करता हूँ गायरो यूज़, और गायरो में आपकी कैमरा सेंसिटिविटी और ADS सेंसिटिविटी दोनों गायरो ही हैं, इसमें कोई अलग सेंसिटिविटी नहीं दी है पबजी ने, इसलिए मैं सेंसिटिविटी दूसरी बात 1 इसलिए रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब अगर मैं थंब लगाया हुआ है और मैं गायरो यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा एम बिगड़ जाता है, मेरा ADS भी यूज़ होने लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसे 1 किया हुआ है। लेकिन अगर आपको इसे करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको कुछ भी अपना रख के देखना है, जैसे मैंने इधर 150 रख के देखा। आपको बेसिकली इतना करना है कि आपकी स्क्रीन ना कम पड़ जाए, जैसे आप थंब को नीचे की तरफ करोगे रिकॉइल कंट्रोल के लिए तो आपकी स्क्रीन कम ना पड़ जाए। मैं इधर से 1 सेकंड बंद कर देता हूँ अपना गायरोस्कोप। अब मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं जस्ट खेल रहा हूँ। अब मैंने इधर रखा अपना स्कोप, अब मुझे रिकॉइल कंट्रोल करना है। 150 तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने लिए, आप इसे कीजिए सॉरी कैमरा, आप इसे 100 कर सकते हैं, आप ऐसे ही चेक कर लीजिए अपने लिए कैसे आपको चेक करना है। ये भी बहुत ज़्यादा है, मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें कितने होता है, मुझे लगा इसका गायरो की तरह होता होगा। हाँ ये सही है। अब आपको बस सेंसिटिविटी रखनी है और बस अपने फ़ोन के हिसाब से इसे ट्राई करनी है। तो बस आपको यही करना है कि थंब को नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए पूरे से रिकॉइल करना है, और ये चीज़ आपको 2-3 बार नहीं करना है, इसे कीजिए 50 से 60 बार, आराम से 50 से 100 बार कीजिए, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल आदत पड़ जाए इसकी और आप इजीली इसे कंट्रोल कर पाएँ। अब गाइस आप सोच रहे हो कि मेरा इतना ख़राब स्प्रे क्यों जा रहा है,
तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसे जस्ट आपके सामने ही ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ भी फेक ना रखूं। मैं चाहता तो ये कर सकता था कि पहले ही बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेता 1.5-2 घंटे की, और बिल्कुल जीरो रिकॉयल का आपको दिखा सकता था और आपको फिर बोल सकता था, और आप देखते बोलते ओ भाई इतना अच्छा स्प्रे मुझे सीखना है, तो मैं ये सब दिखा सकता था। लेकिन मैं ये नहीं दिखाना चाहता, मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में कैसा करने वाले हो। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, स्टार्टिंग में आपका ऐसे ही स्प्रे जाएगा लेकिन आपका प्रैक्टिस के साथ अच्छा स्प्रे जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ गायरो प्लेयर्स के लिए, तो गायरो प्लेयर्स के लिए तो बहुत आसान है, अब करना क्या है यही, बिल्कुल ऐसी सेंसिटिविटी रखनी है और बस ट्राई करना है। तो सबसे पहले तो सेंसिटिविटी कैसे बनानी है, तो काफ़ी लोगों की बनी होगी सेंसिटिविटी रिकॉयल पे, और उनका रिकॉयल अच्छा भी होगा। तो मैं आपको जस्ट जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि आप बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको एडीएस का बताया कि आप अपने हिसाब से रख के देखिए और गोलियां चलाइए, आपको किस में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है आप उसमें रखिए। तो मेरे लिए 230 है जो कि मैंने आपको दिखाया था, 230 और 240, तो मैंने ये दोनों रखी हुई है। कुछ लोग 300-300 यूज़ करते हैं ताकि उनके कंफर्ट के लिए, वो शायद फ़ोन को अच्छी तरह ग्रैप कर लेते हैं, क्योंकि मेरे 5 फिंगर है, मैं अच्छी तरह ग्रिप नहीं कर पाता फ़ोन को। तो बस यही है मेरा कंट्रोल गायरो, मैं गायरो कंट्रोल दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा हॉरिजॉन्टल रिकॉयल आ रहा है और वर्टिकल नहीं आ रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं मेरे इसमें वर्टिकल रिकॉयल बहुत कम आ रहा है हॉरिजॉन्टल के मुकाबले। अब इधर हुआ क्या था इसमें कि मेरा लेफ्ट की तरफ एम गया तो मैंने राइट की तरफ अपने फ़ोन को किया और फ़ोन राइट की तरफ चला गया, तो ये बहुत रैंडम होता है कि आपका फ़ोन राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, इसलिए उसके लिए आप ग्रिप यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको मैंने आपको बता दिया आपको सेंसिटिविटी कैसे बनानी है। तो हेलो गाइज, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें आप सीखोगे कि आपको रिकॉयल कंट्रोल कैसे सीखना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते होगे, ज़्यादातर लोग मैं बताता हूँ आपको, आप गन ले आते होगे, 40 गोलियाँ उसमें होती होंगी और सीधा 40 की 40 गोली आप एक ही टारगेट पर ठोक देते होगे और आपको लगता होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और असल में इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है लेकिन गलत जगह पर। तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सही तरीके से कैसे आपको खेलना है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको 40 गोलियां नहीं मारनी है एक टारगेट पे। क्यों नहीं मारनी है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव या क्लासिक में कभी भी आपको 40 गोलियां की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप किसी बंदे को 40 गोलियां लेते हो मारने के लिए, तो गाइज़ आपको रिकॉयल कंट्रोल की नहीं एम सुधारने की ज़रूरत है। तो इससे आपका एम भी सुधरेगा और रिकॉयल कंट्रोल भी सुधरेगा। आपको करना है कि ऐसे जगह पर आ जाइए, हाई ग्राउंड टाइप जगह पर। मैं हाई ग्राउंड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ताकि आप अच्छे से एम को देख पाओ, क्योंकि उधर से एम बिल्कुल नीचे दिखता है और घास की वजह से इतना अच्छा दिखता नहीं है। तो आप बिल्कुल ऐसी जगह पे आ जाइए जहाँ पे एक हाई जगह है, जो ये आप सेट कर सकते हो। इसके बाद आप आके इधर आ जाइए और एक बर्स्ट मारिए 10 से 15 गोलियों का, क्योंकि उसी से बंदा नॉक होगा। अगर 10 से 15 गोलियों में बंदा नॉक नहीं हो रहा तो आपको एम की ज़रूरत है, एम सुधारने की, और इससे आपका एम सुधरेगा भी। आपको 10-15 गोलियाँ ऐसे मारनी है। आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 10 से 15 गोलियां M4 की बिल्कुल लेज़र जाती है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिकॉयल आ जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल भी आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इतना स्पीड नहीं करना है। आपको जस्ट एम खोलना है, थोड़ा रुकना है और गोलियां चलानी है ऐसे बिल्कुल। आपके स्टार्टिंग में बहुत बिगड़ेगा एम, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आप एक 1 वीक चैलेंज लीजिए और यही चीज़ ट्राई कीजिए, और 900 बुलेट्स एक बार में आप ले सकते हो थ्री लेवल बैकपैक में। तो यही चीज़ आप 10 बार ट्राई कीजिए, 10 बार ट्राई कीजिए हर दिन। मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते में आपका एम और आपका रिकॉयल कंट्रोल दोनों परफेक्ट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल हिल नहीं रहा, और मैंने कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाई है। तो आप ये सोचो अगर मैं कोई अटैचमेंट लगाऊंगा तो कितना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा मेरा एम। तो मैं बता रहा हूँ आपको 1 वीक चैलेंज लीजिए और बिल्कुल मेरे को इंस्टाग्राम पे बताइए कि आपने ये किया है 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते बाद इम्प्रूवमेंट भेजिए, मैं ज़रूर उसको देखूंगा और अप्रिशिएट करूंगा। तो गाइस हम बात कर चुके हैं सेंसिटिविटी के ऊपर, हम बात कर चुके हैं उस सेंसिटिविटी में आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, और अब मैं एक लास्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि आपको कौन सी ग्रिप यूज़ करनी चाहिए लॉन्ग रेंज स्प्रे के लिए। मैं बाकी स्प्रे की बात नहीं करूँगा, मीडियम शॉर्ट, क्योंकि वो आपको पता ही होगा। मैं लॉन्ग रेंज स्प्रे के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें मेनली 2 ही ग्रिप्स आती है, एक तो हाफ ग्रिप और दूसरा एंगल ग्रिप, और मैं यूज़ करता हूँ एंगल ग्रिप, बट मोस्टली प्लेयर आप लोग जानते ही होंगे कि स्काउट यूज़ करता है हाफ ग्रिप। तो असल में कौन सी ग्रिप बेस्ट है कैसे पता करें, तो मैंने इसके लिए ट्रेनिंग में आया, मैंने दोनों को एक साथ स्प्रे किया, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मुझे कुछ भी डिफरेंस पता नहीं चला इतना ज़्यादा, लेकिन
मुझे इतना पता चलता है कि थ्योरी वाइज के जो एंगल ग्रिप होता है वो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल ज़्यादा कम करता है एज कम्पेयर टू हाफ ग्रिप, और हाफ ग्रिप जो होती है वो स्टेबिलिटी के लिए होती है। अब आप नहीं जानते स्टेबिलिटी क्या है तो मैं आपको स्टेबिलिटी के बारे में एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आप क्लियरली समझ जाओगे। मैंने दो SKS ली थी, एक में मैंने लाइट ग्रिप लगाई थी और एक में लाइट ग्रिप नहीं लगाई थी। तो जिसमें लाइट ग्रिप नहीं लगी थी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितना ज़्यादा शेक कर रहा है, और इसी से आप स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हो क्योंकि लाइट ग्रिप स्टेबिलिटी के लिए ही होता है। तो आप समझ गए होगे कि स्टेबिलिटी क्या है। तो अब बात यहीं आके अटक जाती है कि आपके लिए बेस्ट ग्रिप कौन सी होगी और कौन सी ग्रिप आपको प्रेफर करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो आप हाफ ग्रिप यूज़ करो, और अगर आप हॉरिजॉन्टल रिकॉइल को कम करना चाहते हो तो आप एंगल ग्रिप यूज़ करो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप दोनों ग्रिप्स को एक एक हफ्ता यूज़ करो। एक एक हफ्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ता खेलने के बाद आपको उसका रिकॉइल पैटर्न पता चल जाता है और आप उसे इजीली मास्टर कर सकते हो, और किसी भी एक ग्रिप को जल्दी से चुन लीजिए और उस पर जितना प्रैक्टिस करना है उतना कीजिए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस चीज़ पे आपको क्या करना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और गाइस आई लव टू रीड योर कमेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कर देना, कुछ भी कर देना एक, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और ज़रूर उसे कमेंट को पढ़ूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और गाइस इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, मेरा डिस्कॉर्ड लिंक नीचे है उसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं काफ़ी कुछ नया लाने वाला हूँ अभी पेपर के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।